housing only for women. Her name is For the Women, By the Women. ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा मिशन है, जिसमें मुझे हर महिला को अपना खुद का घर, इसका मतलब है उसका उसके नाम का पहला घर मुझे उसको देना है। और ये सपना काफ़ी साल पुराना है, जो आज मुझे लगता है कि कुछ मुझे पहली स्टेप आज डालने को मुझे मिली है, जो आज मैं प्रोजेक्ट वरदान कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से मुझे सारी महिलाओं का प्रोत्साहन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, एंड थैंक यू। देखिए ये कुछ मुश्किल नहीं है, महिला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसे सिर्फ उसको अवेयर करना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उसको सारी चीज़ें आती है, लेकिन उसको करना अपना खुद का, ये कोई दिखाए कि ये तू कर सकती है। आज बैंक सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एज सब्सिडी, घर ले रही है तो उनको सब्सिडी है। बैंक से बात कर रहे हैं हम लोग, जो हर आईनेस में घर ले, जो इंटरेस्ट रेट हम लोग कम करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मुझे ऐसी लगती है कि उसको सक्षम बनाना, मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से उसको सक्षम बनाना, ये मेरा मोटो है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और हर महीना का घर, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा लगता है कि महिला को घर में वो इज्जत, वो आत्मसम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। और आजकल महिला और पुरुष दोनों कमाते हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन इज्जत दोनों को अभी तक समान नहीं मिलती कई जगहों पे। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर पद्मिया फॉर लॉन्चिंग सच अ ब्यूटीफुल थिंग, जो महिला को अपना घर दे दे, जो घर उसे अपना लगे और जो घर उसके नाम पे हो। सो द नेम इज़ सेइंग इट ऑल हर हाइनेस। और मैं हमेशा चाहूँगी कि एवरी मैन शुड सपोर्ट दिस ब्यूटीफुल आइडिया कि घर अपनी पत्नी के नाम पे होना चाहिए। अगर आप उन्हें गिफ्ट देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देना चाहें तो वो खुद कमा के खुद अपना घर ले सकते हैं। कि आज के मॉडर्न पुरुष का काम है।